ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग किरण वर्मा के जय जोहार। भारत में कोरोना वायरस के संक्रमण ले अब तक 107 मामला के पुष्टि हो गए हैं। इमा 17 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इटली के 16 पर्यटक मन के अलावा कनाडा के एक नागरिक संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में कोनो जानकारी या मदद पर भारत सरकार 24 घंटा हेल्पलाइन सेवा शुरू करे है। एक नंबर है 0112397804। उन्हें छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस लेके स्वास्थ्य विभाग डहाले रोज संझा के बुलेटिन जारी करे जाते। इला विभाग के वेबसाइट cghealth.nic.in मा रोज देखे जा सकते। एक संग हेल्पलाइन नंबर 104 मा 24 घंटा जानकारी ले जा सकते। कार्यालय बेरा मा राज्य सर्विलांस इकाई के हेल्पलाइन फोन नंबर 0771223509 मा घलो जानकारी ले जा सकते। इही बीच राज्य शासन एकर संक्रमण ले प्रदेश के जनता ला सुरक्षित रखे खातिर राज्य में संचालित सबो सिनेमा घर और मल्टीप्लेक्स मन में 31 मार्च तक सिनेमा के प्रदर्शन ला बंद रखे के निर्णय ले गए है। उन्हें राज्य विधानसभा सचिवालय के आदेश अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण ले सावधानी और सतर्कता ला देखत बजट सत्र के बाचे बेरा में विधानसभा परिसर में आम नागरिक के प्रवेश प्रतिबंधित कर दी है। चालू बजट सत्र में विधानसभा की कार्यवाही 25 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय नोवल कोरोना वायरस संक्रमण ले बचाव खातिर जरूरी उपाय के पालन करे बर कहे है। लोगन मल्ला बड़का सभा मन में शामिल नहीं होए बर कहे है। खांसी और बुखार होए के स्थिति में दूसर लोगन मल्ले दूर रहे के सलाह दे गए है। लोगन मल्ला साबुन और पानी ले हाथ बने ढंग ले धोए या फिर अल्कोहल वाला सैनिटाइजर ले साफ करे बर और संगे संग खांसा छिकत बेरा रूमाल या टिश्यू पेपर के उपयोग करे के सलाह दे गए है। इस्तेमाल करेंगे टिश्यू पेपर ला बंद डस्टबिन में फेंके जाही। खांसी बुखार के संगे संग सांस ले में परेशानी होए के स्थिति में तुरते डॉक्टर ले परामर्श ले जाए। इही बीच छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग कोरोना वायरस के संदर्भ में आम लोगन मन ला मास्क के उपयोग करे के निर्देश दे है। एमा बताया गया है कि मास्क के उपयोग तभी करना चाहिए जब कोनो ला खांसी या बुखार के लक्षण हो या जब ओ मनला कोनो अस्पताल में जाना हो या कोरोना वायरस से संक्रमित कोनो मरीज के देखभाल करना हो। छत्तीसगढ़ के कतकोन जिला मन में कोरोना वायरस के संक्रमण ले बचाव खातिर जरूरी कदम उठाए जाते। रायगढ़ जिला में कलेक्टर कोरोना वायरस के संक्रमण देखत जिला में कोनो भी प्रकार के धरना प्रदर्शन रैली सभा और जुलूस ला 5 अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दे गए है। ओती कबीरधाम जिला में कलेक्टर जिला अस्पताल के लैब में पर्याप्त मात्रा में सैंपलिंग किट और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए के निर्देश दिन है। इही बीच ड्रग विभाग के टीम आज बालोद जिला के मेडिकल स्टोर मन में सैनिटाइजर और मास्क के उपलब्धता के जानकारी के संगे संग इहू जांचे है कि कहूं इला ज्यादा कीमत में बेचे तो नहीं जाते। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार फेस मास्क और हैंड सैनिटाइजर ला जरूरी जीनिस घोषित कर दे है। एकर उद्देश्य ए वस्तु मन के आपूर्ति बढ़ाना और जमाखोरी ला रोकना है। रायगढ़ जिला में पाछू रतिहा हुए सड़क हादसा में 3 माई लोगिन समेत 4 मनखे मन के मौत हो गए। उन्हें 25 अन्य लोगन मन घायल हो गए। मिले खबर के मुताबिक बाकारुमा के ग्रामीण मन देवी दर्शन पर धर्म जयगढ़ के अम्बे टिकरा गे रहीन। लौटत बेरा रायगढ़ रोड के चरखा पारा के तीर उखर मन के चारपहिया वाहन अंते तंते हो गए पलट गे रही से। ये दुर्घटना में घायल लोगन मनला पत्थल गांव के सिविल अस्पताल में भर्ती कराए गए है। दंतेवाड़ा जिला के अलग अलग इलाका ले आज पुलिस दो झीन माओवादी ला गिरफ्तार करे है। एमा एक माओवादी ला नीलवाया क्षेत्र ले पकड़े गए है। एकर ऊपर 1 लाख रूपया के इनाम रही से। उन्हें दूसर माओवादी ला मुनगा के जंगल ले गिरफ्तार करे गए है। ये दोनों माओवादी मन ऊपर हत्या और आईईडी लगाए जैसा अपराध दर्ज है। उन्हें नारायणपुर जिला में पुलिस माओवादी मन डहार ले लगाए गए एक पाइप बमला बरामद करे है। नारायणपुर ओरछा रद्दा में बटुनपारा के तीर में लगे ए पाइप बमला मौकाच में निष्क्रिय कर दे गए है। इही बीच बस्तर जिला के मारडूम इलाका में काली हुए बारूदी सुरंग विस्फोट में शहीद जवान उपेंद्र साहू ला आज बिहनिया जगदलपुर पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि देगीस। एकर बाद जगदलपुर के मुक्तिधाम में राजकीय सम्मान के संग उखर अंतिम संस्कार करेगीस। आज विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस है। ए दिन हर बछर 15 मार्च के उपभोक्ता मन के अधिकार और जरूरत के खातिर विश्व में जागरूकता फैलाए बर मनाए जाते। एकर उद्देश्य उपभोक्ता मन के अधिकार के सम्मान करना और बाजार में ओमन के शोषण ला रोकना है। ये बछर के विषय है सदैव सक्षम उपभोक्ता। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यही सिरावत है। जय जोहार।